हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी पाठशाला। टुडे वीडियो टॉपिक इज़ नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज़ द सेकेंड क्लास ऑफ नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा। वी कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ स्किन। स्किन हैज़ स्लाइटली एसिडिक पीएच ड्यू टू ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस बाय नॉर्मल फ्लोरा स्टेफाइलोकोकस। इट मीन्स जो ह्यूमन स्किन है उस पर क्या है, नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट है जो है स्टेफाइलोकोकस। और स्टेफाइलोकोकस वहाँ स्किन पे क्या करता है, ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन स्किन है उसका जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक है। सेकेंड, सिक्रीशन फॉर स्किन ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड। यहाँ पे क्या है, स्किन ऑयल भी सिक्रीट होते हैं और कुछ स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है जो वहाँ पे स्वेट रिलीज करती हैं। अब आप सभी को पता है स्वेट जो है वो अल्कलाइन इन नेचर है, जिसकी वजह से ह्यूमन स्किन जो है वो क्या होगी, अल्कलाइन इन नेचर भी होगी। नेक्स्ट है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन स्किन। फर्स्ट है यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। इट इज़ अ मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रेजेंट ऑन द ह्यूमन स्किन एंड यू विल लर्न इट। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट माइक्रोकोकाई प्रोपियोनी बैक्टीरियम। दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच प्रेजेंट ऑन द ह्यूमन स्किन। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा मीन आई। इट कंटेन लो नंबर ऑफ बैक्टीरिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई मॉइस्चर। ब्लिंकिंग मैकेनिकली रिमूव बैक्टीरिया एंड लैक्रिमल सिक्रीशन इंक्लूड लाइसोजाइम। इट ब्रेक बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकन। फर्स्ट जो इन्होंने यहाँ पे रीज़न बताया कि जो ह्यूमन आई है उसमें जो बैक्टीरिया का नंबर है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर है वो लो रहता है, उसका रीज़न फर्स्ट क्या कि हाई मॉइस्चर। हमारी आई में जो मॉइस्चर है वो बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं रहते मोस्टली, या उनका नंबर वहाँ पे क्या रहता है, लो रहता है। सेकंड रीज़न है यहाँ पे ब्लिंकिंग मैकेनिकली। जो हमारी पलकें वो झपकती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो डस्ट पार्टिकल या फिर कोई फॉरेन मटेरियल हमारी आई में प्रेजेंट है वो रिमूव आउट हो जाता है। लास्ट यहाँ पे जो है रीज़न वो है लैक्रिमल सिक्रीशन। अब लैक्रिमल क्या है, एक सॉल्यूशन कहें या हम एक लैक्रिमल जो है सिक्रीट किया जाता है, और किसकी वजह से, हमारी आईज जिससे सिक्रीट करते हैं, जिसमें क्या है कि लाइसोजाइम प्रेजेंट है। लैक्रिमल सिक्रीशन में एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, इट ब्रेक बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकन। ये बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन को ब्रेक कर देता है, इसकी वजह से भी क्या है वहाँ पर बैक्टीरिया का नंबर जो होगा वो लो होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं कंजक्टाइवा में वो है, फर्स्ट यहाँ पे मोरेक्सेला, सेकेंड डिप्थीरॉयड, थर्ड इज द स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। द थर्ड टॉपिक इज नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ नोज एंड नेसोफेरिंक्स। नोज और नेसोफेरिंक्स मतलब नोज और नोज से रिलेटेड जितना भी पार्ट है वहाँ पे जो माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेसोफेरिंक्स ऑफ इन्फेंट इज स्टराइल एट बर्थ, बट इन 2 to 3 days इट एक्वायर फ्लोरा कैरियड बाय मदर एंड अटेंडेंस। जैसे ही जो इन्फेंट ने बर्थ लिया, मतलब जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ है, उस टाइम पे क्या होगा, जो उसका नेसोफेरिंक्स है वो स्टराइल फॉर्म में होगा, मतलब वहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होगा, वो स्टराइल है। लेकिन आफ्टर 2 or 3 days ऑफ बर्थ इट एक्वायर फ्लोरा। अब वो फ्लोरा कहाँ से एक्वायर कर रहा है, बाय द मदर और अटेंडेंस, जो उसको ले रहे हैं या जो उसकी मदर है उससे वो उसको क्या मिल रहा है, उसको एक फ्लोरा मिल रहा है। जो फिर कहाँ, सबसे पहले मोस्टली क्या है, जब हम ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं तो उसके थ्रू काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी नोज़ में एंटर कर जाते हैं, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। नेक्स्ट यहाँ पे है नेसोफेरिंक्स इज अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ कॉमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉजिंग इन्फेक्शन ऑफ नोज थ्रोट लंग एंड ब्रोंकाई। अब जो नेसोफेरिंक्स है वो नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट फॉर नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा प्लस कॉमन पैथोजेनिक फ्लोरा भी, क्योंकि जब हम ब्रीथ करते हैं या हमने ऑक्सीजन लिया है तो उस टाइम पे क्या होगा, उस
ऑक्सीजन के साथ में कुछ डस्ट पार्टिकल या फिर फॉरेन ऑर्गेनिज़म्स भी, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी हमारी नोज़ में एंटर करते हैं, जिसकी वजह से क्या है वहाँ पे वो डिजीज़ कोज करने. द थर्ड टॉपिक इज़ नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ नोज एंड नेसोफेरिंक्स. फर्स्ट, नेसोफेरिंक्स ऑफ इन्फेंट इज स्टराइल एट बर्थ, बट इन 2 to 3 days इट एक्वायर फ्लोरा कैरड बाई मदर एंड अटेंडेंस. इट मीन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड द नेसोफेरिंक्स इज इन स्टराइल कंडीशन, बट आफ्टर 2 to 3 days ऑफ बर्थ इट एक्वायर फ्लोरा बाई इट्स मदर और इट्स अटेंडेंस. नेक्स्ट लाइन इज नेसोफेरिंक्स इज अ natural habitat of common pathogenic bacteria causing infection of nose, throat, lungs and bronchi. It means जो nasopharynx है वो क्या है, natural habitat. अब natural habitat का reason यही है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ में काफ़ी microorganisms भी हमारी body में enter करते हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक natural habitat है for common pathogenic bacteria, जिसमें वो कुछ infections भी cause करते हैं, किससे related, जैसे कि nose से related, थ्रोट, लंग और ब्रोंकाई. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख लेते हैं यहाँ पे कौन से प्रेजेंट होंगे. फर्स्ट यहाँ पे मोरेक्जेला, हीमोफिलस, डिप्थीरॉयड, स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफालोकोकस. दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच प्रेजेंट इन द नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ नोज एंड नेसोफेरिंक्स. नेक्स्ट इज द नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक. Respiratory tract include two parts, upper respiratory tract and lower respiratory tract. Upper respiratory tract is a nasopharynx, oral cavity and throat, and lower respiratory tract is trachea, trachea, lungs. Upper respiratory tract microflora only present here. जो upper respiratory tract है वहाँ पर ही सिर्फ microflora present होगा. Lower respiratory tract क्या होगा, sterile in हेल्दी पर्सन. अगर कोई पर्सन हेल्दी कंडीशन में है तो वहाँ पे ये जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो स्टराइल कंडीशन में होगा. नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप्ड इन म्यूकस लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड डाउनवर्ड फ्लो ऑफ म्यूकस टू नेसोफेरिंक्स इनटू माउथ इट स्वेलोड आउट. इट मीन्स जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू अंदर आएगा ह्यूमन में, तो वो क्या होगा, उसकी म्यूकस में ट्रैप हो जाएगा. अब वो म्यूकस जो है जिसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप किया है, वो नेसोफेरिंक्स के थ्रू होते हुए माउथ से स्वेलोड आउट, मतलब हम उसको थूक देते हैं. ऐसे अगर हम कहें, हम एक तरह से इसको स्पूटम भी बोलते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक इज नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा एंड पैथोजेनिक माइक्रोफ्लोरा. यहाँ पे दो तरह के माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट होंगे. नॉर्मल स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई, एंड पैथोजेनिक इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस पायरोजेंस एंड स्टेफाइलोकोकस निमोनिए. दीज थ्री आर द पैथोजेनिक माइक्रोफ्लोरा, एंड स्टेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई इज द नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा. नेक्स्ट इज द नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ माउथ. नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा ऑफ माउथ, सफिशियंट मॉइस्चर, abundant food supply facilities, increased growth of microorganism in mouth. अब जो हमारा माउथ है वहाँ पे क्या है, सफिशियंट मॉइस्चर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, फूड सप्लाई भी काफ़ी रहती है, इसकी वजह से हमारे माउथ में जो microorganisms की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है. However, continuous flow of saliva remove microorganism from mouth to stomach and are killed by acidity of stomach. अब जो हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट है वो क्या करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माउथ से स्टमक में ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि जो स्टमक में एसिड प्रेजेंट है, एसिड वहाँ पे प्रेजेंट होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या हेल्प करता है, वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करता है. लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे माउथ में फूड पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा. माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन माउथ नॉर्मल एंड पैथोजेनिक टू कंडीशंस में. नॉर्मल इज लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड मोरेक्जेला. पैथोजेनिक इज द स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस.